अभी क्या चल रहा है भाई? ये ऐसे ऐसे सीन्स ना, मुझे बंद हो रहा ना, ढक्कन खुला था उसका, चेक कर रहे थे कि भाई कुछ लेके जान तो नहीं रहा है। अभी भाई पहाड़ देखो, ये पहाड़ ये ना देखो भाई, खतरनाक से है ना। तो गाइस गुड मॉर्निंग, और आज का ब्लॉग करते स्टार्ट। अब यार हम हैं सिंधवा बॉर्डर पे, जो कि देख सकते हैं भाई लंबी लाइन लगी है यहाँ पे, पूरी भाई लंबी लाइन लगी है रोड पर। पूरी भाई लंबी लाइन पूरा वहाँ तक। अब यार धीरे धीरे लाइन नहीं ना बंद पे, अब लाइन खुलना स्टार्ट हो गया है, तो गाड़ियाँ जल्दी जल्दी यार कट करके इधर से उधर बिखर रही हैं, और हमारी लाइन तो ऐसे ही है। अभी हमारी भी लाइन बढ़ना स्टार्ट हो गई है आगे से, तो अभी हम बढ़ाते हैं। अब यार एक बॉर्डर पार करना है, इसके बाद आ जाएगा अपना महाराष्ट्र का। अभी पहले ये MP का बॉर्डर पार कर ले भाई, क्योंकि ये बॉर्डर ना सबसे ख़तरनाक माना जाता है, इनमें एक पैसे की सुनवाई नहीं होती। इनमें भाई जो कागज़ गलत हो गया तो वो गलत हो गया, उसका फ़ाइन भरना ही पड़ेगा। क्या से कागज़ वो आपके PDF फाइल में पड़ा हो, वो भाई कॉपी चाहिए स्क्रीन का, कॉपी है तो ठीक है, कॉपी नहीं है ना तो भाई फाइन तो भरना ही पड़ेगा। तो चलो अभी हमारी लाइन बड़ी है, तो उधर से आगे से वो बढ़ाएंगे ना, उसके बाद हम भी बढ़ाएंगे। वहाँ पे आपको जगह दिख रहा होगा थोड़ा सा, तो जब बढ़ाएंगे हम भी बढ़ाएंगे। बड़ी मुशक्क़त के बाद अभी यार कांटे पे पहुँचे हैं। अभी ये गाड़ी उतरने के बाद ना, फिर उसके बाद हमारा नंबर आएगा, फिर हम सीधा कांटे पे, और कांटे करा के आगे भाई आपको पता ही होगा चलान या एंट्री दे के निकलो। चलो इधर कांटा हो गया उनका भाई, वो पर्ची लिए हाथ में, और हम भी यार आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे भाई गाड़ी लगा दी, पार कर दी, और ये ले लिया भाई अपना कांटा पर्ची। अब वहाँ का प्रोसेस बाकी है, वहाँ पे ना भाई चलान एंट्री जो होती है वो लगते हैं। गाड़ी के पास वापस आ गए भाई, और हमारी पर्ची चेक हो गई, और वहाँ से भाई देख सकते हो कांटे पर से गाड़ियाँ आ रही हैं। अभी भाई अपने टायर भी सही हैं, क्योंकि उतरते टाइम ना एक आध बार टायर पे नज़र ज़रूर मारना चाहिए, ठीक है। अगर पंचर वंचर रहेगा तो दिख जाएगा, अगर पंचर नहीं रहेगा तो भाई अच्छी बात है। अभी चलते हैं अंदर। MP का सिंधवा बॉर्डर पार कर लिए, अब बीच में पड़ता है घाट, जो कि डाउनिंग होता है, उतरना रहता है। आपको आते वक्त दिखाया भी था, तभी ये उतरते हैं आराम आराम से, क्योंकि भाई इनमें गाड़ियाँ ज़्यादा रेस पकड़ती हैं, इनमें अपना ब्रेक का ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, प्रेशर जो है ना, ये प्रेशर ना उतरे, प्रेशर उतर गया तो भाई फिर समझो बुरा हाल। जैसे कि अभी सामने देख सकते हो गाड़ियाँ ब्रेक डाउन है, यहाँ पे भाई बिना तेल पानी की गाड़ी आगे जाती है पूरी स्पीड से। अगर संभल गए तो ठीक है, अगर नहीं संभले तो भाई साइडों में जाके गाड़ी ठूंकेगी, जो कि ये घाट बनता है पहाड़ों को तोड़ के, पहाड़ों को तोड़ा जाता है और उसके बाद ये रास्ते निकाले जाते हैं, और इसका नाम पड़ जाता है घाट। अभी देख सकते हो मेरी गाड़ी कितनी आवाज़ कर रही है, और RPM देखो, स्पीड देखो भाई, RPM कुछ नहीं दबा रहा हूँ भाई, पैर मेरे ऐसे हैं, और भाई चप्पल पहन के इसलिए चला रहा हूँ ना, गर्मी हो रही है इसलिए चप्पल पहनता हूँ, नहीं तो भाई जूते ही पहनता हूँ मैं, क्योंकि भाई गाड़ी वगैरह ना जूते पहन के ही चलानी चाहिए। अभी देखो भाई ओवरटेक कर रहे हैं घाट पे, उनको तेजी से उतरना है भाई। ये TN की गाड़ी है, अन्ना की गाड़ी है, अन्ना की ये भी आ रहे हैं, उतरने में मसला नहीं है, ब्रेक जब नहीं लगेगा ना तब दिक्कत होती है भाई, ब्रेक लगनी चाहिए अपने। अभी देखो ये ब्रेक दबा रहे हैं ना, अभी देखो टायरों का इनका, अभी आराम आराम से भाई नीचे करते हैं, आगे ब्रेकर इसको प्यार से पार करेंगे। नहीं तो भाई अगर ये ब्रेकर ना पूरा कुदा देती है
पूरा उछाल उछाल के पटकती है भाई। चलो अभी कुछ नहीं, अभी स्लेटर नहीं लूँगा, अभी आराम आराम से 3 नंबर गियर डाल दिया हूँ, आराम आराम से इतने पे ही उतरना है। अभी ये देखो गाड़ी ब्रेक डाउन हो गई है चढ़ाई पे, क्या प्रॉब्लम आ गया है अभी मेरे को ही पता होगा। हम भी आराम से करते हैं भाई, नहीं तो हमारे में भी प्रॉब्लम आ जाएगा तो भाई बड़ी दिक्कत हो जाएगी। इसके लिए ना मैं गाड़ियाँ बहुत हिसाब से चलाता हूँ और प्यार से चलाता हूँ कि भाई जब गाड़ी को मैं अगर अच्छा रखूँगा ना, गाड़ी को तकलीफ नहीं दूँगा तो गाड़ी मुझे तकलीफ नहीं देगी, ये बात है ना। अभी मैं ज़रूर बता रहा भाई, जब सामने वाले को दुख नहीं दोगे तो आपको सामने वाला भी दुख नहीं देगा, तो इसके लिए अभी मैं हिसाब से ही चलाता हूँ भाई। पूरी पहाड़ी है भाई पूरी, अभी इस साइड खाई आ गई और इस साइड पहाड़, अभी आपको दिखाता हूँ। पहाड़ देखो, ये पहाड़ ये नजारे देखो भाई, खतरनाक से है ना। अभी इस टाइम गियर बता दो भाई, इस टाइम 2 नंबर डाला हूँ। नासिक शिरडी, तो हमें अभी शिरडी तो आज पार ही करना है भाई। ब्रेक लग जा भाई, ब्रेक लग जा, क्या करें भाई, जब गाड़ियाँ स्पीड होती है ना तो ब्रेक जल्दी लगते नहीं, फिर ब्रेक लगता है ना, फिर भी जब गाड़ी डाउन से आती है नीचे आती है ना तो फिर भी ब्रेक लगाने के बाद भी गाड़ी आके घुसक जाती है, इसके लिए पहले से ब्रेक लगाना पड़ता है। और ये ब्रेकर है ना, इसके लिए अभी आराम आराम से ब्रेकर पार करते हैं और निकलते हैं भाई पूना की साइड। और बताओ ना, कभी इन रोडों का काम चल रहा है इधर। भाई फुल्ली एक्सीडेंट हुआ है, पूरा फुल एक्सीडेंट हुआ है। देखे ना, आलू लोड था गाड़ी में और अन्ना की गाड़ी में जा लड़ा, तो उसके लिए पुलिस थी और यहीं पे चेकिंग भी होती है, यहाँ पे पुलिस खड़ी थी ना, यहाँ पे चेकिंग भी होती है और एक्सीडेंट भी यहीं पे हुआ है। क्योंकि अगर आपको पता नहीं होगा तो मेरी पिछली वीडियो देखना यहीं की, तो यहीं पे भाई चेकिंग भी ये लोग कर रहे थे। शाम में फिर ब्रेकर आ गया भाई, ये आ गया भाई अपना दूसरा बॉर्डर जो कि महाराष्ट्र का। अब इसके बाद ना कोई बॉर्डर नहीं पड़ेगा, पर क्या बात है, कांटे पे गाड़ी खुली है, देख रहे हो कार टेलर का भाई पूरा खुलवा दिए हैं, ऐसा क्यों किए हैं पता नहीं यार। ऐसा नहीं करना चाहिए, मतलब बॉर्डर पे गाड़ी खुलवाए हैं, चलो देखते हैं। अभी यार दूसरा बॉर्डर अपना पार करते हैं भाई, चल 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 जल्दी, नहीं तो कोई आ जाएगा। अभी ये बॉर्डर थोड़ा खाली है, नहीं तो अभी कोई आ जाएगा ना, दिक्कत हो जाएगी। अभी इसी लाइन में लगते हैं, अभी देखो
बंद हो रहा ना, ढक्कन खुला था उसका, चेक कर रहे थे कि भाई कुछ लेके जा तो नहीं रहा है। ये होता है भाई चेक पोस्ट, ये महाराष्ट्र का, यहाँ से कोई सामान इधर उधर नहीं लेके जा सकता। तभी ये बॉर्डर पार करते हैं और उधर देखो चेचिस आईसर का, भाई जल्दी जल्दी आगे बढ़े नहीं तो ये लोग मुंडी मारने के लिए तैयार होते हैं। ये मुझे सबसे गलत लगता जो यार इतनी लंबी लाइन लगा के आओ ऊपर से फिर उसके बाद यार मुंडी मारो, बताओ ये मुंडी मारने वाली अच्छी बात होती है? अभी ये देखो सामने क्या हाइट, ये ज़्यादा हाइट है भाई, देख रहे हो बहुत हाइट है। भाई मेरी भी गाड़ी का ढाला खुलेगा। अभी भाई चल रहा हूँ आगे, ऐसे वाले रोडों पर चढ़ के ढाला खोलता हूँ। तो गाइस फाइनली हम रुक चुके हैं एसपी ढाबा पे, जो कि सरदार का ढाबा है, और नहा धो के भी कंप्लीट हो गए। अब सीधा ना निकल रहे खाना खाने, क्योंकि भाई अभी टाइम भी हो गया अपना खाना खाने का, और गाड़ी भी साफ़ सुथरा करके यार मस्त रेडी कर दी। अभी चलते हैं बस खाना खाते हैं, और खाना खा के भाई ना मस्त इंजॉय करते हैं। और देखो साथ में जो गाड़ी हमारे वहाँ पे खाली हुई थी वो भी गाड़ी आ गई, प्लस मेरी गाड़ी है और साई की दो तीन यानी 5-6 कार टेलर ऐसे लगेंगे इधर, बस कार टेलर। इधर देखो भाई गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ हैं, बस कार टेलर। कोई बात है ना, जहाँ पे एक गाड़ी बड़ी लग गई वहाँ पे सारी गाड़ियाँ आनी स्टार्ट हो जाती है, पूरा होटल ही भर जाता, बस बड़ी गाड़ी आनी चाहिए। तभी देखो इधर, और ये सामने रहा होटल चम्मू हिमाचल शर्मा पंजाबी ढाबा। अभी ऑर्डर लेते हैं, मस्त खाते हैं। ये आ गए भाई हमारे रोटी सेव टमाटर, चलो निकालो खा जाए। बस मैं ज़्यादा सब्ज़ी नहीं खाता। खाना पीना तो हो गया भाई, चलो अब निकलते हैं क्योंकि आराम भी कर लिया। अब सीधा ना आगे चलते हैं, चलो कंटिन्यू किया जाए अपना ब्लॉग। तो चलो फिर अभी 4 बज गए हैं, अभी हाईवे छोड़ दिया और अभी होटल की साइड बढ़ गया, और हमारी पल्लिया की गाड़ी एक खड़ी है। तभी ना चलते हैं होटल की साइड, अभी चाय साय पीते हैं उसके बाद निकलेंगे, क्योंकि यार खाना खा के चला था थोड़ा क्या ना सुस्ती पकड़ लेती है अगर लगातार बैठे रहो, इसके लिए कुछ ना कुछ खाना पीना चाहिए। तो अभी चलते हैं चाय साय पीते हैं, और सामने हमारी पल्लिया की एक गाड़ी दिखी, अब दिखी तो थोड़ा रोड, ये जो रोड हाईवे है ना एक्सप्रेस वे, तो थोड़ा गड्ढी गुड्ढा है इसमें, इसके लिए ये थोड़ा पटक रही है गाड़ी, और इसके बाजू में लगाते हैं और चाय साय पीते हैं। अभी देखो घास लगाओगे ये यूँ और यहाँ से काटूंगा इतना। अब देखो मेरा ट्राला कहाँ गया, आ गया सीधा सीधा लाइन पे, देखो ऐसे बैठाते हैं ट्रालों को, आ गया ना बराबर। अभी सामने भी होटल है, और हम उस टाइम जब आए थे ना आते समय उस वाले होटल पर रुके थे सागर, अभी इस वाले होटल पर रुके हैं, यहाँ पे पियेंगे चाय, वैसे चाय तो नहीं स्टीम वगैरह पीऊँगा, उसके बाद आगे निकलेंगे। अभी इन उस्ताद से भी मिले थे, और सबसे पहले ये गाड़ी को करते बंद, तो भाई बंद हो जा, ओ सुकून भाई सुकून, आ जाओ चाय पीते हैं। ये भाई देखो कबूतर वाइट वाले, देख रहे हो तो पाले हुए हैं कबूतर हैं भाई पाले हुए। अभी सामने होटल भाई, अरे यार इसके पैरों में पंख है, इसके पैरों में पंख है देखो,
यहाँ तो भाई मौसम का धजिया उड़ रही है, देख रहे हो धूल मिट्टी गर्दे यार पूरे उड़ रहे हैं, पूरा मौसम खराब हो रहा है यार। चलते हैं गाड़ी पे, वो उस्ताद तो अभी दिखे नहीं, देखते हैं गाड़ी में है क्या। अभी यार सामने से धूप है थोड़ी बहुत, मौसम भी ख़राब है। चलो वो भाई गाड़ी में उस्ताद आ गए हैं, अभी मिलते हैं उस्ताद से। सर्विस रोड में उतर जाना है यहाँ से, और सर्विस रोड से फिर आगे से भाई फिर पूरा ही लेफ्ट लेना है। तो चलो फटाफट ना लेफ्ट लिया जाए। ये है भाई सिंगल रोडों का हाल, सिंगल रोडों पे ऐसा ही होता है। अभी ये लंबी लाइन लगी है, तो फाइनली अभी लंबी लाइन समाप्त हो गई। क्या होता है ना सिंगल रोडों पे यार सिंगल रहती है, अब फिर यार बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होती है ना, तो ये टर्निंग दिख रहा ना सामने टर्निंग, इन टर्निंग पे गाड़ियाँ चढ़ा के मोड़नी पड़ती है, जैसे कि हमारी गाड़ी हो गई, और इस पर हमारी से भी दोगुना तिगुना बड़ी गाड़ी चलती है, जैसे कि मालगोड़ा हो गया, एक पवन चक्की होता है, पवन चक्की का एक पंखड़ी लेके जाता है, वो भी 200 फीट का होता है, वो हो गया। ये सब गाड़ियाँ बहुत जगह लेती है टर्निंग पे, इसके लिए अभी देखो सिंगल रोड पे भाई ये ओवरटेक कर रहे हैं, देख रहे हो ये आ गए भाई सामने, एक गाड़ी और आ गई। तो ये रहता है भाई सिंगल रोडों का हाल। अभी हम मनमान वाले रोड पे हैं, तो मनमान से सीधा शिवडी होते हुए नहीं कोपर गांव से संगम में, ये सब होते हुए ना सीधा संगम में, संगम दर से पूना, ऐसे करके भाई अपना सफ़र कंटिन्यू करेंगे। अभी देखो शाम के फाइनली बज चुके हैं 5:30, और मौसम देख सकते हो कितना रंगीन है और मस्त लग रहा है बहुत। भाई वीडियो बंद करने के बाद जस्ट 5 मिनट बाद भाई ये देखो बारिश होने लगी, फिर से कैमरा उठाना पड़ा, देख रहे हो बारिश, पूरे रोड गीले हो गए। तो वाइपर चालू कर लेते हैं और आपको साफ दिखेगा, देखा भाई बारिश का ये कहर है। अभी मौसम भी ख़राब था ना, वैसे सोच भी रहा था ना थोड़ी बारिश हो जाती तो अच्छा रहता, क्योंकि मौसम भी ठंडा हो जाता। ये सीट पे बैठे बैठे ना भाई, ये जो पीछे का हिस्सा है ना, पीठ ये चपक जाता है यार, ये गीला हो जाता है पीछे से, नीचे का नहीं उधर पीठ बस की। इसके लिए सोच रहा था बारिश का मौसम थोड़ा ठंडा हो जाएगा, अच्छा रहेगा। तो फाइनली देख सकते हो बारिश भी हो गई और मस्त मौसम भी थोड़ा ठंडा है, शीशे से ऊपर कर लिए भाई टाइम से यार, अच्छी से एक बार बारिश हो जाए मेरी गाड़ी भी धुल जाएगी, ऐसे थोड़ा मज़ा भी आ जाएगा। बारिश में चलने में मज़ा आता है, पर ज़्यादा बारिश चलती है ना तो मज़ा नहीं आता, क्योंकि ज़्यादा बारिश होने पर ना गाड़ी अपनी डीजल उठाती है, ठीक। और गाइस एक बात और आपको बता देना चाहता हूँ कि हर एक शनिवार को ना एक ट्रक लर्निंग वीडियो में डालता हूँ, शनिवार को शाम को 4:30 बजे, आप उसको जाके जरूर देखो। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लो, और वीडियो हमारा अच्छा लग रहा है ना तो लाइक करो और कमेंट में बताओ हमारा वीडियो आपको कैसा लग रहा है और कौन सा पार्ट का अच्छा लग रहा है। और भाई कुछ आपका क्वेरी हो ना तो भी बताओ, और इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर लो अर्जुन लाइव के नाम से, सेम ही नाम है, ठीक, वहाँ पे फॉलो कर लो, आप जो पूछोगे वहाँ पे मैं आपको जल्द से जल्द आंसर दे दूँगा। चलो ठीक है, तब ये सामने का भी नज़ारा देखो, और ऐसे मौसम बहुत अच्छा हो गया भाई, क्योंकि थोड़े रंगीन से है ना, ऐसे में चलने में मज़ा आता है। ये सिंगल रोड है भाई, और सिंगल रोड पे ना ये आगे पड़ता है चोटी घाट, ये सामने भाई चोटी घाट पार करते हैं और दिखाता है चोटी घाट कितना बड़ा है और कैसा है। आ जाओ पार किया जाए, और इसी बारिश यार क्या बताएं, थोड़ा वाइपर को तेज़ करते हैं, जल्दी जल्दी वाइपर चलेगा ना तो पानी साफ करता रहेगा।
क्योंकि भाई जब सामने दिखेगा उसके बाद ही ना गाड़ी चलाएंगे। ये गाड़ी अभी से स्लो हो गई तो यार हमारी गाड़ी और स्लो हो जाएगी, अभी इससे ओवरटेक करेंगे। ठीक, पहले गियर डाउन करते हैं और जगह देख के ना ओवरटेक करेंगे। आ जाओ वीडियो में लास्ट तक बने रहो और देखो, और सामने आपको पहाड़ी दिख रही होगी। भाई ये कितना स्लो हो गया, मेरे 3 नंबर लगे हैं अभी को। सामने का सीन देखो भाई, अगर बताओ ये कहाँ का सीन है। वैसे शाम का टाइम है, लगभग 6 बज गए भाई। देखो वैसे बहुत औसम लग रहा है। अरे भाई पर चालू है, बंद कर दो क्योंकि बारिश हुई थी ना, अगर बूंद के छींट है इसके लिए चालू कर दो कि सब बूंद के छींट हट जाएंगे। अभी सामने से सन साइड है, जैसे सन डाउन है, वैसे खतरनाक लग रहा है। अभी देखो मस्त, क्योंकि ऐसे ऐसे जब शाम होती है ना तो थोड़ा रंगीन सा होता है और अच्छा लगता है यार, बहुत अच्छा लगता है। गाड़ी चलाने में भी मज़ा आता है क्योंकि मौसम थोड़ा ठंडा होता है और कुछ अजीब सा फील होता है, तब वो मज़ा आता है। अब ये सिंगल रोड है, देखो सिंगल रोड है पर थोड़ा चौड़ा है, गाड़ियाँ उतारनी नहीं पड़ रही है, कहीं कहीं पर गाड़ियाँ उतारनी पड़ती है, दिक्कत हो जाता है। तब यार ट्रेन भी जा रही है भाई, ट्रेन नीचे से। अब यार सामने गाड़ी स्लो हो गई, क्या किया जाए भाई। ये ऐसे ऐसे सीन्स ना मुझे बहुत खतरनाक रहते हैं भाई, बहुत खतरनाक। ये बस सीन को बस इंजॉय कर सकते हैं। देखो वो जो पहाड़ी थी अभी साइड में आ गई, इस पर एक भाई किला है। अगर आप यहाँ के रहने वाले हो ना तो जगह का नाम भी बताना और किला भी बताना, इस पर किला कौन है। अभी देखो दिख रहा होगा आपको साफ साफ, वाइट वाइट दिख रहा है ना, वो कुछ और है। उसके जो बाजू में है सामने साइड, वो भाई किला है। और उधर भी देख सकते हो उस वाली पहाड़ी पर सीढ़ी उड़ी बनी है। देखा ऐसे यार गाड़ी चल रही है ना तो कैमरा ज़्यादा हिल रहा है। और भाई ये आ गई KMT गई भाई। ये आ गया भाई अपना राजस्थानी ढाबा, तो यहाँ पे आप गाड़ी लगाते हैं, इंडिकेटर दे देते हैं भाई, और फिर गाड़ी को स्लो करके ना आराम से डालते हैं अंदर। भाई बारिश हुई है इधर, बारिश हुई है। चलो डालते हैं गाड़ी को अंदर और खा पी के ना आराम से सोते हैं, गाड़ी तो लगाते हैं पहले। ये लगी भाई अपनी गाड़ी और खाना पीना ना फाइनली हो गया, अभी यार सोने का टाइम है तो सोते हैं, क्योंकि अभी रात के बज चुके हैं 11:30 और राजस्थानी होटल मिल गया, आराम से लगा लिया, खाना पीना मस्त हो गया भाई। अभी आराम करने का टाइम है, अब यार वीडियो भी एडिट करो बहुत टाइम लग जाएगा,
चलो अभी का वीडियो और यहीं पे एंड करते हैं, और हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में और अच्छे से वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद।